दोस्तों वेलकम टू मसूरी। दोस्तों वीकेंड में घूमने का मन तो सबका करता है, तो हर कोई ये सोचता है कि वीकेंड पे 2 से 3 दिन में हम लोग अच्छी तरह घूम लें और हमारा वीकेंड अच्छी तरह स्पेंड हो जाए। तो अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो मसूरी से बढ़िया जगह आपको क्या ही मिलेगी। मसूरी में आपको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ का वेदर तो अल्टीमेट है। ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से अप्रोक्स 260 किलोमीटर्स पड़ता है या 6 घंटे की ड्राइव है। तो यहाँ पहुँचने के बाद कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो और कैसे अपना वीकेंड स्पेंड कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। मसूरी पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको एक रूम ले लेना है जो 1000 से 1500 रुपये में इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद आप सबसे पहले निकलिए कैम्प्टी फॉल की तरफ। कैम्प्टी फॉल एक बहुत ही फेमस प्लेस है जहाँ हर कोई जाता है जब भी वो मसूरी विजिट करता है। कहीं और कोई जाए ना जाए, कैम्प्टी फॉल ज़रूर आता है। यहाँ पहुँचने के बाद आप एक्टिवा एक हायर कर सकते हो मसूरी में, जो कि अप्रोक्स आपको 200 से 300 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाएगी, जिसमें फ्यूल आपका अपना होगा। कैम्प्टी फॉल माल रोड से अप्रोक्स 20 किलोमीटर दूर होगा और आने के बाद फर्स्ट डे आप अपना यहाँ पर बिल्कुल रिलैक्सिंग मूड में स्पेंड कर सकते हो। रास्ते में आपको काफ़ी सारे गेमिंग पॉइंट मिल जाएंगे। 3D और 7D का भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हो यहाँ पे, जिसमें आपको 200 पर परसन अप्रोक्स फिश स्पा, हॉन्टेड हाउस, रिलैक्सिंग करने के लिए आपको यहाँ मसाज, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है इसी रोड पे ही, जो कि कैम्प्टी फॉल को रास्ता जाता है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी मार्केट से निकलने के बाद सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। आगे जाने के बाद आपको यहाँ केबल कार मिल जाएगी। केबल कार का प्राइस अमाउंट अप्रोक्स 200 रुपीज़ पर पर्सन है, जिसमें आपको 2-way राइड मिल जाती है, नीचे जाने के लिए भी और ऊपर आने के लिए भी। ये सीधा आपको फॉल के पास ही छोड़ेगा और फॉल के पास से ही रिसीव कर लेगा जब आप वहाँ से आना चाहो तो। इसकी टाइमिंग है 7:00 बजे से शुरू होता है और 6 बजे तक ये चलता है। तो यहाँ से हमने केबल कार लिया था, जो कि हमने अपनी फैमिली मेम्बर्स को करवा दिया था और हम खुद बाय वॉक करके नीचे गए थे, जो अप्रोक्स 100 मीटर्स डाउन साइड में पड़ता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये फॉल, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही बढ़िया यहाँ का व्यू है। आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। आपको कॉस्ट्यूम वगैरह अपना लाने की ज़रूरत नहीं है फॉल में नहाने के लिए, और एंट्री फीस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है, जो कि यहाँ आप एंजॉय कर सकते हो। कॉस्ट्यूम यहाँ आपको 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से मिल जाता है, जो कि और चेंजिंग रूम भी मिल जाते हैं, लॉकर्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ का व्यू बहुत ही अल्टीमेट है। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ के शौकीन हो तो यहाँ पे आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ में ज़िपलाइन ले सकते हो, सुपरमैन राइड ले सकते हो, जाइंट स्विंग ले सकते हो या बोटिंग कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, हर एक एक्टिविटी की अलग कॉस्ट है। ज़िपलाइन की कॉस्ट अप्रोक्स 500 रुपीज़ पर पर्सन है, और अगर आप जाइंट स्विंग लेना चाहते हो तो जाइंट स्विंग आपको 1000 रुपीज़ में पड़ेगा, जो कि अगर 2% का लोगे तो 1500 रुपीज़ में आपको ये पड़ने वाला है। Oh,
जाने के बाद सबसे अट्रैक्टिव प्लेस है जो वो है कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन में आपको बहुत सारे टाइप के कलरफुल फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ का एम्बियंस भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। मॉर्निंग टाइम स्पेशली अगर आप यहाँ विजिट करते हो तो आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्लेस है बच्चों के लिए, कपल्स के लिए, फैमिली पिकनिक के लिए। दोस्तों तीसरा प्लेस जो आता है देखने वाला है वो है भट्टा फॉल। भट्टा फॉल के जस्ट बाहर में ही एम्यूजमेंट पार्क है जहाँ पे आपको काफ़ी सारी अच्छी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगी जो कि कैम्प्टी फॉल में भी अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ी क्लीनिनेस ज़्यादा मिल जाएगी आपको एज़ कम्पेयर टू कैम्प्टी फॉल। इस पार्क की एंट्री 100 रुपीज़ पर पर्सन है, उसके बाद अगर आप अंदर कोई एक्टिविटी लेते हो तो उसके चार्जेस अलग रहते हैं। इसकी भी टाइमिंग है सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। तो ये है भट्टा फॉल। कैम्प्टी फॉल की तरह यहाँ भी कोई एंट्री नहीं ली जाएगी, एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आप अपना बैठ के अच्छी तरह पिकनिक एंजॉय कर सकते हो, कुछ भी स्नैक्स अपना एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों अगला एडवेंचर स्पॉट है इकाया आइलैंड, जो कि मसूरी से अप्रोच 10 किलोमीटर पहले बना हुआ है। यहाँ पे आप एंट्री फीस दे के 50 रुपये की अंदर जा सकते हो और अंदर जितनी एक्टिविटीज़ आप अंदर एंजॉय करना चाहते हो उसका पर एक्टिविटी कॉस्ट 200 रुपीज़ है, वो आप एंजॉय कर सकते हो। बच्चों से लेके बड़ों के लिए सभी के लिए अलग टाइप की एक्टिविटीज़ यहाँ अवेलेबल है।
दोस्तों इकाया आइलैंड के बाद एक और बहुत ही ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है दलाई हिल्स। यहाँ जाना तो आपको मस्ट है। यहाँ से आपको मसूरी का 360 व्यू मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है। कुछ आपको यहाँ पे ट्रैक करके जाना पड़ेगा, ट्रैक अप्रोक्स 300 से 400 मीटर तक का ट्रैक होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है। एंड एट लास्ट आप मसूरी का मॉल रोड इंजॉय कर सकते हो। मॉल रोड इंजॉय करने का टाइम आपका बेस्ट इवनिंग में ही रहेगा। इवनिंग टाइप में यहाँ की लाइटनिंग, यहाँ का व्यू जो आपको बाहर मसूरी और देहरादून का व्यू ऊपर से देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल और यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। सत श्री अकाल।